नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए आज का टॉपिक है व्हाट इज बीकॉम। बीकॉम क्या है? बहुत सारे जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं जिन्हें कॉमर्स ले रखे हैं, उनके मन में आता है कि बीकॉम होता क्या है। देखिए बच्चे, बीकॉम जो है उसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये एक 3 साल का कोर्स है। यह फुल टाइम, डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन तीनों मोड से आपको कराया जाता है। बीकॉम के अंदर जो है वो मेनली दो चीज होती है, एक होती है बीकॉम और दूसरा ऑप्शन होता है बीकॉम ऑनर्स। इसके अंदर आप जो है जो कॉमर्स के बच्चे हैं जो 11वीं 12वीं के, मोस्ट ऑफ देम जो है वो सॉर्टेड होते हैं कि उनको बीकॉम ही करना है। और ज्यादातर बच्चे जो 12वीं के जिनके पास कॉमर्स होती है वो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करते हैं। देखिए जो बीकॉम है ये इसके अंदर 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल का, जिसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और इसमें मैरिट और एंट्रेंस दोनों के बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है। देखिए बच्चों, अगर बीकॉम ऑनर्स में अगर जाना है तो इसमें बहुत ज्यादा हाई मैरिट होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी की। सो अगर आपको बीकॉम के अंदर जाना है तो इसमें स्लाइटली कम आपकी जो है वो मैरिट होती है। और इसके अंदर जो आपकी पढ़ाई होती है वो होती है फाइनेंशियल ऑडिटिंग, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, फिर आपका टैक्सेशन, देन योर स्टॉक मार्केट, देन योर पब्लिक अकाउंटिंग एक्सेट्रा। देखिए बीकॉम जो है वो एक तरीके से गेटवे है कॉमर्स की फील्ड के लिए, फाइनेंस की फील्ड के लिए, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सभी फील्ड में अगर आपको जाना है, आपको किसी कंसल्टेंसी के अंदर जाना है, आपको टैक्स कंसल्टेंसीज के अंदर जाना है, या आपको Big 4 के अंदर जाना है जो हमारे भारत में है, डेलॉइट, EY, KPMG, PwC। तो अगर आपने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है किसी अच्छे कॉलेज से तो आपके लिए एक तरीके से गेटवे है, आपके लिए रास्ता खुल जाता है इन बड़ी कंपनीज में जाने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बीकॉम ऑनर्स, देखिए जो बीकॉम ऑनर्स में है उसके लिए सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 12वीं में कॉमर्स होने चाहिए। आप 12वीं में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, सो ये आपके पास बेसिक सब्जेक्ट्स होने से। उसके बाद एक लैंग्वेज कोर्स भी होता है जो इंग्लिश होता है ज़्यादातर स्कूल्स में। सो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होते हैं बीकॉम करने के लिए। फिर उसके बाद अगर आपको कॉलेज में जाना है तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ DU में, मुंबई यूनिवर्सिटीज में, इनमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ्स होती हैं। सो आपको इसमें क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर होने चाहिए, नहीं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने हैं। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने हैं तो इजी लर्निंग इंडिया उसकी पूरी तैयारी कराता है आपको बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप बीकॉम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर से बुक्स, ई-बुक्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस कुछ भी परचेज कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बच्चों आप हमारी वेबसाइट पे एक बार अगर विजिट कर लेंगे तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, और आप खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे हमारी वेबसाइट से, कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज या स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज लेके ही जाएंगे। बिकॉज हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जो हमारी क्लासेस हैं वो बिल्कुल बेस्ट फैकल्टीज उन क्लासेस को पढ़ाते हैं, और हमारी जो बुक्स हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर हैं, उसके एग्जाम्स भी हैं, और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स ने उस बुक्स को लिखा है। ऐसे अगर आपको फिजिकल बुक नहीं चाहिए तो आप ई बुक्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, डू विजिट आवर वेबसाइट। थैंक यू सो मच। We'll be right back.